आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट इज आस्किंग, A simple closed figure made up of three or more line segment is called a polygon. देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। एंड रीजन इज दिस, क्योंकि जब भी आप कोई क्लोज कर्व बनाएंगे क्लोज शेप सिंपल लाइन सेगमेंट से, दो लाइन से तो कोई क्लोज शेप बन नहीं सकता है। तीन लाइन जैसे ही हमने ली तो देखिए क्लोज शेप बन गया। अब तीन के ऊपर चाहे हम क्वाड्रिलेटरल बनाए, चाहे हम हेक्सागन बनाए, चाहे पेंटागन बनाए, फोर फाइव सबसे क्लोज कर्व बन सकता है। और जितने भी ये जो फिगर्स होते हैं जो कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बनाए जाते हैं, उन्हें हम पॉलीगन कहते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज सेइंग पार्ट ऑफ अ लाइन विच विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। देखिए अगर आपने कोई लाइन ले ली, ठीक है, अब ये लाइन ले ली, अब इसका एक पार्ट मान लेते हैं हमने ये पॉइंट ले लिया ए, इसमें एक पार्ट और ये बी, और इसकी लेंथ हमें मालूम है 1.5 सेंटीमीटर। तो वी नो कि लाइन सेगमेंट वो होता है जिसकी फिक्स लेंथ होती है। सो वी कैन से कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लाइन सेगमेंट होते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है हमसे, इट इज सेइंग इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट अ लाइन एंड प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म। यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जब आप ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं कोई पॉइंट, एक लाइन, प्लेन सब अनडिफाइंड टर्म, इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम। फोर्थ, यूक्लिड्स का फोर्थ एक्सियम क्या कहता है, एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। तो आपको बता दें ये भी ट्रू है, जो यूक्लिड है उसका फोर्थ एक्सियम कहता है एवरीथिंग, मतलब जैसे वन है तो वन किसके इक्वल, वन तो इक्वल इटसेल्फ होता है, दिस इज ट्रू। नाउ फिफ्थ पार्ट में आते हैं, इट इज आस्किंग द यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर फिगर इन द प्लेन। तो आपको बता दें ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, बिकॉज रीजन एज इट फॉल्स, एज इट फॉल्स ऑन द कर्व्ड सरफेस इट फेल्स, मतलब जो यूक्लिडियन है इसने जो अपनी ज्योमेट्री दी है ये सिर्फ प्लेन सरफेस पे ही वर्क करती है, ये कर्व्ड सरफेस पे वर्क नहीं करती, ऑन द curved surfaces, ठीक है। नाउ लास्ट है, लास्ट इज सिक्स्थ। सिक्स्थ में हमसे कह रहा है अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। करेक्ट, देखिए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, और दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट हम इसको ओ ले सकते हैं और ये बनता है एंगल। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी हमारा लास्ट वाला ट्रू हो गया। So this is the answer. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर।